गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 26 जनवरी 1919 आज के दिन 2019 चल रहा है। 1950 26 जनवरी रिपब्लिक डे तो गणतंत्र दिवस भारत का संविधान लागू किया गया आज के दिन। बहुत बड़ा दिल्ली में बहुत बड़ी परेड होती है। तो ये 26 जनवरी का जो पृष्ठ है 26 और 27 दो दिनों का एक ही लेख है महाराष्ट्र का, इसीलिए आपके ही लिए एक आपके ही लिए दो। ये जो लिखवाया गया महाराष्ट्र ने जो लिखवाया साधना और ब्रह्मानुभूति ग्रंथ की भूमिका में ये महर्षि ने कुछ अपने विचार रखे और इन विचारों में महर्षि ने साधना का एक क्रम बताया। आज हम देखेंगे, आज पूरा तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि अभी आधा कल का है, तो इसमें आज प्रवेश करने के पूर्व एक बात महर्षि कहा करते थे। उनको किसी ने कहा कि आप ये जो वेदांत के प्रवचन करते हैं तो इनका कोई अधिकारी तो है नहीं, हैं भी तो एक इक्के दुक्के हैं, तो आप वेदांत पर प्रवचन सभा में क्यों करते हैं? तो महर्षि ने पूछा, उत्तर देने के बजाय उसी से प्रश्नकर्ता से पूछा कि फिर तुम बताओ कि हम किस पर प्रवचन करें। तो स्वाभाविक है उसने बताया प्रश्नकर्ता ने कि आपको भक्ति पर प्रवचन करना चाहिए। उसका ये कहना था कि वेदांत का अधिकारी तो है नहीं, तो महर्षि ने उसको कहा कि हमको तुम ये बताओ कि भक्ति के अधिकारी कहाँ हैं। तुम जो भक्ति पर प्रवचन करने के लिए कह रहे हो तो भक्ति के अधिकारी भी तो कोई नहीं है, वो भी तो इक्का दुक्का ही है। जेठी सतीश बाला जेठी ने एक जो वाक्य है महर्षि का, तो हम तो हमेशा जो जितना सुना था उतना ही कहते थे, तो उसने एक और बात बताई। हमने इतना ही सुना था कि हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला। तो सतीश बाला जेठी ने एक दिन कहा कि महर्षि ने ये भी कहा है कि भक्त भी प्रेमी भी हमको एक आध ही मिला, जिज्ञासु तो एक ही नहीं मिला और प्रेमी भी हमको एक आध ही मिला। तो अब कौन वो भाग्यवान रहा होगा उसका नाम तो नहीं बताया, पर जो भी है भक्ति के अधिकारी भी नहीं है। महर्षि ने कहा कि ये जितने लोग सुनने वाले हैं ये तो अभी धर्म के अधिकारी हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन दो पृष्ठों में आज और कल हम देखेंगे कि वस्तु स्थिति क्या है उसका निरूपण करके और महर्षि क्रम बता रहे हैं कि कैसे हमको क्रम क्रम से इस मार्ग में चलना चाहिए। सुने सब, सुनने के लिए कोई मनाही नहीं है। वेदांत भी अगर बुद्धि ग्रहण कर रही है
उसे भी लाभ होगा, भले हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार का अर्थ ये होता है, उसको भी समझना चाहिए, हमारा शीश को भी समझाते थे, अधिकार का अर्थ होता है कि जैसे वेदांत, तो वेदांत के जब नचिकेता गए यमराज जी के पास, तो यमराज जी ने प्रलोभन दिया, उन्होंने कोई प्रलोभन स्वीकार नहीं किया। जब यमराज ने कहा कि तुम वर मांगो, तो उन्होंने वर मांगा था कि हमको आपका ज्ञान चाहिए, तो यमराज ज्ञान देना नहीं चाहते थे, उसके पहले वो परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो वहाँ उपनिषद में बड़े विस्तार में वर्णन आया है क्या क्या प्रलोभन दिए, कुछ भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बोले कि हमको सिर्फ आपका ज्ञान चाहिए। देख लिया यमराज जी ने कि ये उसके अधिकारी हैं। अधिकार का अर्थ होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि वह व्यक्ति जब वो ज्ञान दिया जाएगा तो वो ज्ञान उसके जीवन में उतरेगा, यानी ज्ञान का फल वो अनुभव करेगा। वेदांत को, भक्ति के प्रवचन, वेदांत के प्रवचन सुनने के लिए किसी को मना नहीं कर रहे हैं, पर जब हमको कहा जाता है कि आप इसके अधिकारी नहीं हैं, तो उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि सुन भले लो, पर ये कल्पना करना कि मुझे इसका अनुभव हो गया, वो बहुत बड़ी भ्रांति है। आज के पृष्ठ में शुरू में महर्षि कह रहे हैं, समय की वेगवती धारा में सब कुछ बहा जा रहा है, दृश्यमान प्रपंच में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो स्थिर हो। हमारे सामने संसार में कितना ही उत्थान पतन और उथल पुथल होते रहते हैं। चलो ठीक है, ये सब चल रहा है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अगले वाक्य में, जब हम किसी लुभावनी वस्तु में आसक्त हो जाते हैं, एक बात, या अथवा डरावनी वस्तु से द्वेष करने लगते हैं, तब हमारा अंतरंग राग द्वेष के रंग में रंग जाता है। महर्षि को मुख्य बात ये बतानी है कि ये तो चलता रहेगा, उथल पुथल, उत्थान पतन, ये चलता रहेगा, पर हो क्या रहा है हमारे साथ कि कभी हमारे सामने कोई ऐसी वस्तु आ जाती है, हम भले उसके योग्य नहीं हैं, ठाकुर जी ने समझो कि हमारे सामने प्रकट कर दी, तो वस्तु स्थिति तो यह है कि हमारी परीक्षा हो रही है। यक्ष का बताया ना, वो साधन भजन कर रहा था और प्रकट हो गया कुबेर का गण और कहा कि मैं भगवान हूँ और तुम वो ले लो, वहाँ खजाना है। तो कहने का अर्थ है कि वो बुद्धिमान निकला, गुरु को पूछा, गुरु ने रोक दिया, पर होता क्या है कि लुभावनी वस्तु में आसक्त हो जाते हैं। अच्छा, कल्पना करो कोई डरावनी वस्तु है तो उससे द्वेष करने लगते हैं, फलस्वरूप अब निकले तो भजन के लिए, पर हमारा जो अंतरंग है, यानी हमारा जो अंतःकरण है, वो राग द्वेष के रंग में रंग जाता है। अब आगे क्या होता है वो भी सुन लीजिए, उसी के आवेश में, राग है तो राग का आवेश होता है, द्वेष है द्वेष का भी आवेश होता है, हम अपने स्वरूप को और उसके अनुरूप स्थिति, भावना, अभ्यास और धर्म को भूल जाते हैं। लिखवाया हुआ लेख है, इसलिए एक एक पंक्ति जो है आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि कितनी बातें महर्षि ने भर दी है। हुआ क्या, भजन के लिए निकले, कोई योग का अभ्यास कर रहा है ना, कोई धर्मात्मा है,
कोई भक्त है भावना कर रहा है और कोई स्वरूप का अनुसंधान कर रहा है, तो वेदांती भी है ना, भक्त भी है, योगी भी है और सामान्य व्यक्ति तो अब जब ये राग द्वेष के रंग में रंग गया तो कोई क्यों ना हो, वो जो भी साधना कर रहा है वो छूट गई और उसकी जगह क्या आ गया, तथा आमूल चूल संसार के दलदल में निमग्न तथा संलग्न हो जाते हैं। संसार का दलदल क्या है, राग द्वेष। वो जो राग द्वेष है उसमें आमूल चूल निमग्न तथा संलग्न हो जाते हैं। अब जो भजन करने वालों की स्थिति इस समय क्या है, वर्तमान स्थिति यह है कि न हमें अपने स्वरूप का ज्ञान है और न पर रूप का, तो चार को दो में कर दिया। तो योगी और जो ज्ञानी हैं उनको स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, पर निकले थे हरि भजन को होटल लगे कपास, और पर रूप का ठाकुर जी का, भक्त को धर्मात्मा को जो भजन कर रहा है उसको उसका ज्ञान होना चाहिए, पर वो भी ज्ञान नहीं है। क्यों, क्योंकि राग द्वेष में लगे। फलस्वरूप क्या हुआ, अब देखिए सामान्य व्यक्ति संसारी है, उसके हृदय में सद्भावना नहीं है, जीवन में सत्कर्म नहीं है, वो तो संसारी है, उसके हम अपेक्षा भी नहीं करते। पर जो भजन कर रहा है उसकी बात अब बता रहे हैं, न हृदय में सद्भावना है न जीवन में सत्कर्म। क्यों, अब जिससे द्वेष है उसके विरोध में सब गलत गलत कर्म किए जा रहे हैं, और जिससे राग है तो ठाकुर जी के राग के बजाय उसी को लेकर दिन रात चिंतन हो रहा है। इसलिए इस पैराग्राफ के अंत में महाराषि बता रहे हैं कि जिसका अंग अंग राग रंग और दुस्संग में रंग गया है उसके लिए अज्ञान निवर्तक तत्वज्ञान की तो चर्चा ही क्या है। भाई आप कह रहे हो कि महाराज हमको ज्ञान का उपदेश कर दो, क्यों क्या बात है, जल्दी क्या है, बोले दुकान खोलनी, तो अरे वो तो इसका अधिकारी नहीं है। क्यों, क्योंकि अधिकारी कौन है, उपराम, उपरामता अधिकार है, जो अत्यधिक कर्मों से उपराम नहीं है वो वेदांत सुनने का अधिकारी नहीं, क्योंकि वो तो बैठेगा पर उसका चित्त समाहित कहाँ है, वो तो जिसमें लगा है ना, दुकान खोलने की चिंता है, तो ज्ञान का उपदेश क्या सुनेगा। महर्षि कह रहे हैं कि जिसका अंग अंग राग रंग और दुस्संग में रंग गया है उसके लिए अज्ञान निवर्तक तत्व ज्ञान की तो चर्चा ही क्या है, ये तो बहुत ऊंची बात है। अभी तो न तो वो योग का अधिकारी है, न अभी भक्ति का अधिकारी है ना, अभी तो उसको बताना पड़ेगा कि ये जो राग द्वेष हैं इनको पहले कम करो। तो इसलिए ये जो आखिरी वाक्य है प्रथम पैराग्राफ का बहुत गजब का है। क्या कह रहे महर्षि, जहाँ भगवद अर्चा नहीं वहाँ ब्रह्म चर्चा भी शोभाहीन है। देखिए पहले हम मंगला आरती करते हैं उसके बाद फिर महर्षि का पढ़ते हैं, ये तो ठीक हो गया, पर जहाँ कोई मतलब ही नहीं, ईश्वर में नहीं मानते, ईश्वर तो नाम रूप है, ईश्वर तो मिथ्या है ना, नाम रूप सब मिथ्या है, तो महर्षि को कष्ट है इस प्रकार के वाक्यों को सुनकर। इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ भगवद अर्चा नहीं वहाँ ब्रह्म चर्चा भी शोभाहीन है। शोभाहीन है मतलब वो किसी काम की नहीं, ब्रह्मचर्चा भले वो करते रहें पर वो अपना फल नहीं देगी। अब इस अगले पैराग्राफ में महर्षि समझाने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले धर्मनिष्ठा आती है क्रम में, तो धर्मनिष्ठा की आवश्यकता क्या है, हम जैसे रह रहे हैं वैसे आनंद में हैं,
धर्मनिष्ठा की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ये जो हम अपने को मान के और ये जीवन यापन कर रहे हैं वो गलत मान्यता है। हम अपने को देह मान रहे हैं। कई बार हमने रामप्रसाद को कहा कि भाई दादी को संस्कार हो गया, दादी का अंत्येष्टि संस्कार, दादी कहाँ गई? उसको जला दिया। बोले नहीं, दादी स्वर्ग चली गई। तो कौन स्वर्ग, कौन चला गया भाई? हमने अपनी आँखों के सामने जिसको जला दिया तो इसका मतलब इस देह के अतिरिक्त भी हमारा अस्तित्व है, उसी को समझा रहे हैं। देहावेश की निवृत्ति के लिए देहातिरिक्त आत्मा का ज्ञान आवश्यक है। क्या कह रहे हैं महर्षि? ये जो है ऊपर राग द्वेष में हम निमग्न हो गए, ये क्यों हो गए? क्योंकि हम अपने को देह मान रहे हैं। अगर हमको ये पता होता कि यही व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसके फल स्वरूप अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग जाएगा, गलत कर्म किए तो नरक जाएगा, तो हम बचते। किसको डर है? किसने देखा है नरक? सब बकवास है सब। ये लोग तो पंडितों की है ना रोजी रोटी है। एक समय ऐसा था जब किसी को कहते थे कि भाई ये झूठी गवाही दे दो, तो व्यक्ति कहता था कि महाराज हमारे बाल बच्चे हैं। और आज उसको कहा जाता है कि भाई ये झूठी गवाही दे दो, बोले हाँ वो देनी पड़ेगी क्योंकि हमारे बाल बच्चे हैं। बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले डरते थे कि झूठी गवाही देंगे तो इनको भी सब शाप लगेगा, और आज कहते हैं कि चूंकि बाल बच्चे हैं तो उनके भरण पोषण के लिए है ना हमको गलत काम, क्योंकि उसमें झूठी गवाही में पैसा दिया जा रहा है। तो इस पैराग्राफ में महर्षि समझा रहे हैं कि हम सिर्फ अपने को जो देह मान के बैठे हैं वो गलत है। देहावेश की निवृत्ति के लिए देहातिरिक्त आत्मा का ज्ञान आवश्यक है, वही तो दिया जा रहा है। धर्म के प्रसंग में सबसे पहले तो ये बताया जाएगा स्वर्ग का, नरक का, पूर्व जन्म का, पुनर्जन्म का, ये सब बातें आवेंगी। उसको तो छोड़ दिया, उसमें तो विश्वास ही नहीं है। भक्ति और ज्ञान की बड़ी बड़ी चर्चा हो रही है ना? बोले कि तुमको डर नहीं लगता है? अरे बोले ये सब बेकार है, पुनर्जन्म पूर्व जन्म कुछ नहीं। हमारे पूरी शंकराचार्य जी एक पद जो बड़ा प्रचलित है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। जितने धर्म सम्राट कर्पात्री जी महाराज, जितने महापुरुष हुए हैं, बहुत निंदा करते हैं। ये जो कहावत है लोक में, इसकी बहुत निंदा करते हैं। क्यों निंदा करते हैं? क्योंकि वो तो जो संस्कार सनातन धर्म में दिए जाते हैं कि भाई इसको जानो, महर्षि ने कहा ना देहावेश की निवृत्ति के लिए देहातिरिक्त आत्मा का ज्ञान आवश्यक है, ये क्या कह रहा है? कुछ आवश्यक नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक हो, यदि पठितव्यम तो मर्तव्यम, न पठितव्यम तो मर्तव्यम, दात कटाकट किम कर्तव्य, ऐसे ऐसे पद बना दिए हैं है ना? अरे भाई जो जो इसका गरिमा है उसको तो बिल्कुल ताक में रख दिया और ऐसे ऐसे पद प्रचलित कर दिए कि कोई विद्वान न बन जाए, क्योंकि सब विरोधी लोग होते हैं ना। सब लोगों को डर था क्योंकि ब्राह्मणों का ज्ञान, विद्वानों का ज्ञान, उस ज्ञान से क्या है, मुगल साम्राज्य 1000 वर्ष करीब रहा, कुछ नहीं बिगाड़ पाया सनातन धर्म का। क्यों? क्योंकि विद्वान थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने उसको बनाए रखा। तो इसलिए ये ज्ञान आवश्यक है। वह देह नहीं देही है। कौन? हम लोग जो हैं ये शरीर नहीं है, आत्मा है, यानी जीव है। तो वो जो जीव है, वो जीव का स्वरूप क्या है बताएंगे। पाप पुण्य का कर्ता है, सुख दुख का भोगता है। कौन? हम। जो पाप हो रहा है, जो पुण्य हो रहा है ना, वाल्मीकि
नारद जी को पकड़ा, बोले ठहरो ठहरो, क्यों हमको पकड़ रहे? बोले कि हम आपका ये सब लूटेंगे जो भी है आपके पास। अरे बोले, पर ये सब कर क्यों रहे हो? बोले हम डाकू हैं, है ना, अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए। बोले पूछ के आओ पहले। बोले हम पूछने नहीं जाएंगे क्योंकि आप निकल जाओगे। बोले हमको यहाँ बांध दो और पूछ के आओ कि घर वाले ये जो तुम पाप कर रहे हो, है ना, उस पाप का फल लेने के लिए तैयार है? चिन्मय मिशन वालों ने एपिसोड बनाया है, सीरियल बनाई है, बहुत बढ़िया। गया बेचारा पूछने, बूढ़ा बाप बैठा था, है ना, पत्नी बैठी थी वहाँ, एक एक करके सबको पूछा। सबने कह दिया वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, हमको खिलाना पिलाना, भरण पोषण करना, तुम क्या करते हो, है ना, उसका पाप हमसे क्या लेना देना। तो ये जो पाप पुण्य हो रहा है, ये जो सुख दुख हो रहा है ना, उसके कर्ता भोक्ता हम हैं, यानी जीव है। ऐसे करने से काम थोड़ी चलेगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, दिन रात झूठ बोलते रहो, कुछ नहीं होगा। अरे ईश्वर के वो चित्रगुप्त है, एक एक चीज़ हमारी लिखी हुई है उनकी फाइल में। जीवन का आदि अंत यह शरीर ही नहीं है, दिया ना मैंने दृष्टांत दादी का, शरीर तो खत्म हो गया, जीवन थोड़ी अंत हो गया। कह रहे कि दादी स्वर्ग चली गई। इस शरीर के पूर्व भी जीवन था और पश्चात भी रहेगा। अच्छा एक और बात बताते महर्षि अगले वाक्य में, कि ये जितने शरीर हमारे दिख रहे हैं, जितने लोग दिख रहे हैं, उनके आकार सबके अलग अलग हैं, आयु सबकी अलग अलग है, शक्ति कोई बहुत बलवान है, कोई बहुत ही सिकिया पहलवान है, संकल्प किसी के बड़े शुभ संकल्प हैं, किसी के बड़े अशुभ संकल्प हैं, प्रज्ञा बुद्धि, महाभारत में एक से एक बढ़ के विदुर हमारी व्यास जी, है ना, आज शौनक ऋषि का आवेदा, तो मैत्रेय का आएगा, आज मैत्रेय का आएगा, तो एक से एक बुद्धिमान और एक से एक मूर्ख लोग, प्रज्ञा भी सबकी, है ना, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आवे, कितना ही समझाओ। सुख दुख, कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है, आदि भी तारतम्य भी स्पष्ट ही देखने में आता है। तो ये एक वाक्य, और दूसरा वाक्य आगे का वो क्या है कि अलग अलग मत मतांतर, ये सृष्टि कैसे हुई इसकी उनकी कल्पना है, उन सबको गिना दिया। शून्य, बौद्ध लोग शून्य मानते हैं, विज्ञान भी शून्य, विज्ञानवादी भी बौद्ध हैं, भौतिक द्रव्य चारवाक भौतिक द्रव्य मानते हैं कि भौतिक द्रव्य यानी चार भूतों से सृष्टि हुई। प्रकृति, सांख्य दर्शन प्रकृति से मानता है कि सृष्टि प्रकृति में तीन गुण हैं, सत्व रज और तम, उससे सृष्टि हुई। परमाणु, नैयायिक मानता है कि पांच भूतों के जो परमाणु हैं, है ना, उनसे मिलकर सृष्टि हुई। ब्रह्म, वेदांती ब्रह्म को कहता है कि ब्रह्म में ये बिना हुए हुए दिख रहा है, ब्रह्म बन गया ऐसा नहीं, ब्रह्म जो का त्यों है, ठसाठस ठोस, उसमें ये दिख रहा है इंद्रजाल। तो सब दर्शन अलग अलग मान रहे हैं उपादान यानी सृष्टि कैसे हुई। तो उनमें चाहे वे एक हों अथवा अनेक हों, सदृश हों अथवा विसदृश हों, मतलब कोई कैसे भी क्यों न माने, महर्षि कहना क्या चाह रहे हैं, संस्कार रूप बीज पूर्व कर्मानुसार ही होते हैं। जो मत मतांतर है उसके विवाद में नहीं जा रहे हैं, बस एक बात समझनी है क्या, कि संस्कार रूप बीज पूर्व कर्मानुसार ही होते हैं। हमको आम लगाना है, आम की गुठली लगा दी, अब वो बीज है आम का, गुठली है वैसे आम हो जाएगा। मिर्च लगा दी, मिर्ची हो जाएगी, यहाँ लगा ही रहे हैं,
है ना। तो बीज जो अलग अलग है भाई, जब धरती एक जैसी है, मिट्टी एक जैसी है, तो ये आम और आम मीठा हो गया और मिर्च जो है एकदम तीखी, ऐसे कैसे हो गया? उसी को बता रहे कि जैसे हम प्रकृति में देखते हैं कि जो चीज़ हम बोएंगे, जो बीज हम बोएंगे, है ना, उसमें उसका संस्कार है, तो उस संस्कार के हिसाब से वो बीज जो है धरती में से अपना जो भी है सत्व लेके, और उसका फल जो है वो बीज के अनुसार होगा। ऐसे ही जितने हम लोग हैं, तो हम लोगों के भी जो पूर्व कर्मानुसार ही संस्कार रूप बीज है। कोई बच्चा जो है तो बड़ा होके डाकू हो जाता है, कोई बच्चा जो है वो साधु हो जाता है। तो ये क्यों होता है? एक डाकू हो गया, एक साधु हो गया, एक ही माँ के दो बेटे, ऐसे कैसे हो गया? तो उस माँ के पेट में एक बच्चा जो है वो पूर्व कर्म के बहुत ही भजन किया हुआ आ गया, और दूसरा जो है एक ऐसा बच्चा आ गया, ऐसा बीज लिए जो कि बहुत गलत कर्म किया था। संत लोग समझाते हैं, माँ बाप बड़े परेशान हैं, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्यों? उसका भाई तो एकदम फर्स्ट क्लास आता है और ये जो है बिल्कुल मूर्ख। जब समझाते हैं कि भाई वो जो फर्स्ट क्लास आ रहा है, तो उसने तो पता नहीं पूर्व जन्म में कितनी पढ़ाई की है, वो तुम्हारे पेट में आ गया, और ये जो जिसको तुम परेशान हो रहे हो कि पढ़ नहीं रहा है, किसी काम का नहीं है, तो वो तो पूर्व जन्म में पहलवानी करता रहा, उसने कभी पढ़ाई नहीं, अब वो पेट में आ गया तो उसका दिमाग वैसे ही चल रहा है। तो ये जो संस्कार रूप बीज पूर्व कर्मानुसार ही होते हैं, महाराष्ट्र क्यों बता रहे हैं आगे देखिए। संस्कार रूप बीज के बिना परस्पर विलक्षण विचित्र एवं विभिन्न जातियों तथा व्यक्तियों के शरीर की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती। इसको अगर समझाना पड़ेगा तो इसी प्रकार समझाना पड़ेगा कि भाई हमको पूछते थे लोग, आप डॉक्टर थे क्यों बन गए, बाबा क्यों बन गए? हमारे पास जवाब थोड़ी था। ओंकारानंद जी से चर्चा चल रही थी, महाराष्ट्र का तो लीला स्मरण हो चुका था, ऐसी कोई स्वप्न की चर्चा चल रही थी, तो हमने ऐसे सहज ही बताया, कुछ भी स्मृति में आया तो बता दिया कि मेडिकल कॉलेज में हम थे और ऐसे ऐसे स्वप्न आता था कि हम किसी गांव में पेड़ के नीचे प्रवचन कर रहे हैं और लोग हमको माला पहना रहे हैं, और स्वप्न जब खुलता तो स्वप्न प्राय याद नहीं रहते, पर ये याद भी रहता था, और स्वप्न प्राय बार बार नहीं आते, ये दूसरी बार आया थोड़े महीनों के बाद। तो ऐसे ही हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हमको तो समझ में आते नहीं था, मेडिकल कॉलेज में थे और ये क्या है प्रवचन और ये माला और ये सब गांव में कोई पेड़ के नीचे। जैसे ही उन्होंने सुना, तत्काल कहा कि स्वामी जी, आप अपने पूर्व जन्म में महात्मा थे और आपका काम बना नहीं, अब फिर से ये जन्म ठाकुर जी ने दिया है और महर्षि के श्री चरणों से जोड़ा है, अब अपना कल्याण कर लो। तो क्या है कि जो संस्कार रूप बीज के बिना परस्पर विलक्षण विचित्र, परस्पर विलक्षण, एक भाई साधु बन रहा है, एक भाई डाकू बन रहा है, विभिन्न जातियों, जातियां देखिए कितनी हैं, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा व्यक्तियों के शरीर की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती। अब महाराष्ट्र को जो मुख्य बात बतानी है, इसलिए देहातिरिक्त आत्मा को कर्ता भोक्ता एवं गमनागमनशील जानकर, ऊपर बताया देहावेश की निवृत्ति के लिए देहातिरिक्त आत्मा का ज्ञान आवश्यक है। अब वो आत्मा का ज्ञान देहातिरिक्त उसके दो तीन चार वाक्यों में बता दिया। अब जब हमको वो ज्ञान हो गया तो उसका लाभ लेना है। कैसे लाभ लेंगे? सुखदायक संस्कार उत्पन्न करने के लिए
मनुष्य शरीर में धर्म निष्ठा की नितांत आवश्यकता है। अब जैसा भी जो भी है पूर्व जन्म के कर्म हुए, पर अब जब ये शरीर मिल गया तो इसमें स्वतंत्रता है कि अच्छे कर्म कर लो। इसलिए कह रहे हैं कि धर्म निष्ठा की नितांत आवश्यकता है। धर्म निष्ठा का अर्थ है कि जो अधर्म है वो नहीं करना है, जिसके लिए निषेध किया जा रहा है शास्त्रों में, बड़े लोग जिसको मना कर रहे हैं वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम सुखी होना चाह रहे हैं ना, तो अधर्म करके आज तक कोई थोड़ी सुखी हुआ है। पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख, तो पाप करके कोई सुखी थोड़ी हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सुखदायक संस्कार उत्पन्न करने के लिए मनुष्य शरीर में धर्म निष्ठा की नितांत आवश्यकता, आवश्यकता नहीं नितांत आवश्यकता है, करना ही होगा अगर सुखी बनना है तो। बोले नहीं नहीं, अब तो आजकल तो कलयुग है, अधर्म करो और बहुत पैसा मिल जाएगा। तो जितने जो हैं इस प्रकार कर रहे हैं गलत कर्म, वो भगवान किसी को छोड़ते नहीं हैं। प्रभुदत्त ब्रह्मचार्य जी को कहा, आपका मैनेजर जो है वो सब गलत काम कर रहा है, आप देखते ही नहीं। बोले देखो, हम इसलिए घर नहीं छोड़े, हम भजन के लिए घर छोड़े हैं, है ना, और उसको वो ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं उसको। धर्म निष्ठा में ही स्वभाव के परिवर्तन और निर्माण की शक्ति है, और देहावेश की निवृत्ति भी धर्म निष्ठा ही करती है। भाई आप इतना धर्म निष्ठा के पीछे पड़े हो, है ना, इसमें तो बड़ी तपस्या है। हम तो चाहते हैं कि बड़ा, है ना, खावे पीवे मजा करें। बोले सुनो, तुम्हारा ये जो स्वभाव बन गया है ना, कौन सा स्वभाव, चिड़चिड़ा होना, क्रोध करना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, वो तुम परिवर्तन उसमें चाहते हो कि नहीं? अरे चाहते तो हैं, पर ये इतनी तपस्या हमसे नहीं होगी, तपस्या करनी पड़ेगी, नितांत आवश्यकता है। उससे फिर क्या होगा हमारा धर्मनिष्ठा करने से? तीन चीज़ें बता रहे हैं, स्वभाव में परिवर्तन होगा, जो तुम चाह रहे हो क्रोध छूट जाए, है ना, ये जो लोभ है वो छूट जाए, ये जो घमंड है वो छूट जाए, ये जो ईर्ष्या है वो छूट जाए, स्वभाव में परिवर्तन आवेगा, और स्वभाव का निर्माण होगा। निर्माण होगा मतलब सत्संग करोगे तो उसमें प्रेम आवेगा, दया आवेगी, है ना। निर्माण का मतलब देवी संपत्ति। स्वभाव का परिवर्तन यानी दुर्गुण छूटना, और निर्माण होना मतलब देवी संपत्ति का आना। अब तो महाराज बड़ा प्रेम करते हैं सबसे, है ना, पहले तो बड़े गुस्सा करते थे, तो कैसे हुआ? बोले कि धर्मनिष्ठा के कारण। और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु देहावेश की निवृत्ति। तो हम अपने को शरीर ही मानते थे, तो इसलिए शरीर के लिए पाप कर्म करते थे कि हमारा शरीर जो है वो बढ़िया रहना चाहिए। अब पता लग गया कि पाप कर्म से नरक जाना पड़ेगा, तो अब वो सब पाप कर्म छोड़ दिए। अब क्या हुआ? अब अपने को देही मानने लगे कि अब मैं जीव हूँ, और जीव होने के कारण मुझे ऐसे रहना है। तो धर्म निष्ठा ने इतना चमत्कार कर दिया, अब तो हो गया ना हमारा काम पूरा। नहीं, अभी जो प्रथम पैराग्राफ में बात बताई, राग द्वेष के उसके अंदर हम आमूल चूल, है ना, निमग्न है, संलग्न है संसार के दलदल में, उसको अभी महर्षि ने कुछ नहीं कहा। आखिरी पैराग्राफ में महर्षि उसके बारे में बता रहे हैं। धर्म निष्ठा के साथ ही साथ भक्ति निष्ठा का होना भी आवश्यक है। अरे महाराज जी, धर्म निष्ठा ही इसी में इतना बवाल है, अब और आप कह रहे हैं कि भक्ति निष्ठा और चाहिए। बोले सुनो, ये भक्ति निष्ठा तो बहुत काम की है ना, धर्म निष्ठा में भले तुमको कठिनाई लग रही है, भक्ति निष्ठा में तो बहुत आनंद है। कैसे? सुनो, क्योंकि मनुष्य का हृदय अत्यंत संवेदनशील और भावुक है, वह तत्काल प्रिय अप्रिय के प्रति क्रमशः राग द्वेष के वशीभूत होकर अपने हृदय में सद्भाव या दुर्भाव को स्थिर आश्रय दे देता है और दुख भोगने लगता है। इस एक वाक्य में
हम देखें अपना जीवन, अरे सामने वाला बहुत अच्छा है, तो हमको कोई दोष दिखाई दे गया, अरे भाई दोष तो हमारे में भी है, गुण भी है दोष भी है। तो गोस्वामी जी की पंक्ति है कि जितना सृष्टि है गुण दोष में विश्व की न करतार, उसमें गुण भी है दोष भी है। तो क्या किया कि दोष देखा और उसके प्रति द्वेष करने लगे, अरे भाई उसमें गुण भी तो है। तो क्या कह रहे हैं कि बहुत सेंसिटिव है हर व्यक्ति, क्योंकि मनुष्य का हृदय अत्यंत संवेदनशील है और भावुक है, तो मूल में ही सबको ठाकुर जी ने ऐसा बना रखा है। तो उसका परिणाम क्या होता है कि तत्काल प्रिय अप्रिय के प्रति, प्रिय के प्रति राग अप्रिय के प्रति द्वेष, अब उसके वशीभूत होकर उसका परिणाम क्या हो रहा है, अपने हृदय में सद्भाव या दुर्भाव को स्थिर आश्रय दे देते हैं। अरे भाई हमारा हृदय तो समत्व में रहना चाहिए, ठाकुर जी से प्रेम करें तो बाकी व्यवहार जिसे करना है कर लें, पर नहीं, उसके प्रति तो है ना इतना द्वेष कि दिन रात उसका चिंतन होता है ना, वो हमारा शत्रु है। और राग वाले के प्रति, यानी ठाकुर जी का चिंतन नहीं होगा, राग और द्वेष वाले के प्रति ही चिंतन रहेगा, उसका परिणाम क्या है, दुख। क्यों, सुनो, राग द्वेष दोनों का ही अंतिम परिणाम जलन है। ऐसे कैसे कहा महाराज, द्वेष का परिणाम जलन है, राग का परिणाम जलन कैसे? अरे राग का परिणाम तो ऐसे ही जलन है कि वो जो राग जिससे कर रहे हो, आगे चल के उसने कह दिया है ना, चुप बैठो, मैंने सुनाया ना अभी थोड़े दिनों पहले, जो बच्चा एक क्षण के लिए माँ को नहीं छोड़ता था, वही बच्चा 25-30 साल का हो जाता है, माँ कहती है कि बेटा थोड़ी मेरी बात सुन ले, टाइम नहीं है, तुम बेकार में हमारा टाइम ये मत किया करो, डांट देता है। तो क्या कह रहे महर्षि कि राग द्वेष दोनों का ही अंतिम परिणाम जलन है। अब वो जो माँ चाह रही थी या समझ रही थी या कल्पना कर रही थी कि बेटा मेरे को सुख देगा है ना, अब इसका परिणाम क्या है, देख लिया, जलन, दोनों का परिणाम जलन है, एक तत्काल जलन देगा एक कालांतर में जलन देगा। इसलिए अपने हृदय में तो फिर हम क्या करें, क्या ये दुनिया में रहें कैसे, महर्षि बता रहे हैं अगले वाक्य में, इसलिए अपने हृदय में निरंतर लोकोत्तर चमत्कारकारी परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। ये सब बेवफा है, एक ही है, और कहना चाहो तो दो, एक सद्गुरु और एक ईश्वर, वो हमेशा हमको प्यार देंगे, वो हमारी किसी भी क्रिया से कभी भी रुष्ट नहीं होते, रुष्ट भी होते हैं तो हमारे हित के लिए, भले के लिए। तो इसलिए ये हमको करना है। अब जब हम अध्यात्म की क्लास में आ गए हैं तो संतों को बताना पड़ेगा कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप सही बात बताइए, बता रहे हैं। पहले आज के पृष्ठ में धर्मनिष्ठा बताया, वो करना होगा, खाली पढ़ के सुन के और अपना जैसे चल रहे वैसे चलते रहे तो उससे कुछ नहीं होगा। दूसरा भक्ति निष्ठा, तो भक्ति निष्ठा क्या है, अपने हृदय में निरंतर लोकोत्तर चमत्कारकारी परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि दुनिया का चिंतन करके देख लिया, हमारे गिरिशान जी कहते हैं दुनिया को कितने वर्ष दिए, 12 वर्ष 15 वर्ष घर वालों के लिए, अरे बोले 1 वर्ष ठाकुर जी के लिए दो, देखे देखो तो सही। इसी से लौकिक पारलौकिक विषयों के प्रति वैराग्य होता है। अब वो जो राग और द्वेष, वैराग्य का अर्थ होता है राग भी शिथिल होना, द्वेष का भी शिथिल होना। वैराग्य का अर्थ सिर्फ राग का शिथिल होना नहीं है, द्वेष का भी शिथिल होना। तो राग द्वेष कैसे शिथिल होंगे, जब ठाकुर जी का चिंतन होगा। तो अब वो लौकिक पारलौकिक देख लिया है ना, साई या संसार में मतलब का व्यवहार है ना, वो गिरधर की कुंडलियां में आया है, पैसा रहे न पास यार मुँह से ना बोले, तो ये सब स्वार्थ का है।
तो लौकिक पारलौकिक विषयों के प्रति जब वैराग्य होगा, कब होगा, कैसे होगा, जब ठाकुर जी से प्रेम होगा। अल्प के प्रति वैराग्य, ये जो दुनिया क्या है, अल्प है, इसको अल्प क्यों कहा, क्योंकि सच्ची नहीं है, ये इंद्रजाल है, ये स्वप्न है। और सच्चा कौन है, सत हरि भजन। तो अल्प के प्रति वैराग्य हुए बिना अनंत के प्रति जिज्ञासा, लालसा या प्रगति संभव नहीं है। तो धर्मनिष्ठा का परिणाम बताया, स्वभाव का परिवर्तन, स्वभाव का निर्माण, और ये जो हम अपने को देह मान रहे हैं उसकी निवृत्ति। भक्ति निष्ठा का परिणाम क्या है, अनंत के प्रति जिज्ञासा हो गई, अब बड़ा आनंद आता है सत्संग में, और हमको जानना है, और हमको जिज्ञासा है, आज इतना सुना, कल और सुनना चाहेंगे, अनंत के प्रति जिज्ञासा हो गई, लालसा हो गई, है ना, और हमारी प्रगति होने लगी उसमें। तो वो कब होगी, जब अल्प के प्रति वैराग्य होगा, तब। अंतिम वाक्य में कह रहे हैं, संसार की छोटी छोटी वस्तुओं में लुभा जाने वाला पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। सीधी बात है, इसलिए मैंने यमराज जी का दृष्टांत दिया कि वो चाह तो रहे हैं परमात्मा का ज्ञान, परीक्षा ली तो इतना प्रलोभन दिया, और यमराज ने प्रलोभन नहीं दिया, उनके पास सचमुच में जो भी उन्होंने कहा वो दे सकते थे, लंबी आयु मांग लो, इतना सब रथ मांग लो, है ना, स्त्रियां मांग लो, जो तुम चाहो मांग लो वर में, पर ये ज्ञान मत मांगो। कह दिया कि आपको मुबारक हो, हमको तो ज्ञान ही चाहिए अगर आपको वर देना है, कठोपनिषद उपदेश दिया यमराज ने। भगवान शंकराचार्य शुरू में ही, यमराज तो ज्ञानी है तो उनको तो प्रणाम करते ही हैं, नचिकेता को प्रणाम करते हैं। नचिकेता को क्यों प्रणाम करते हैं, स्वर्ग से वो ज्ञान यहाँ मनुष्य लोक में लाए। नचिकेता को इसलिए प्रणाम करते हैं कि उनका देखिए वैराग्य। तो संसार की छोटी छोटी वस्तुओं में लुभा जाने वाला पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। गए गुरु जी के पास, किस लिए गए, अरे भाई गुरु जी का इतनी संपत्ति है, इतना ऐश्वर्य है ना, गुरु जी का कोई बेटा थोड़ी है, वो हमको मिल जाए, हम महंत बन जाए, है ना, ठीक है, ठाकुर जी को कोई महंती देने में वो नहीं है, पर जिस के लिए घर छोड़ा वो तो काम रह गया। तो संसार की छोटी छोटी वस्तुओं में लुभा जाने वाला पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। श्री राम जय राम, जय जय राम।